और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली में आज एमसीडी की मीटिंग के दौरान दो पार्षद आपस में भिड़ गए, आम आदमी पार्टी के पार्षद राकेश कुमार दरअसल मीटिंग के दौरान पार्टी के टोपी पहनना चाह रहे थे, तभी बीजेपी के पार्षद नीरज गुप्ता ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जब राकेश कुमार नहीं माने तो नीरज गुप्ता ने उनकी पिटाई कर दी। अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी की मीटिंग के दौरान दो पार्षद आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं राकेश कुमार, मीटिंग के दौरान वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहनना चाह रहे थे, जिसके लिए बीजेपी के पार्षद नीरज गुप्ता ने उन्हें रोका और उसके बाद वहां पर दोनों के बीच झड़प हो गई। जी मीडिया संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पूरा मामला क्या है? आदित्य, दरअसल आज तीनों एमसीडी का एक संयुक्त सेशन जैसा एक कार्यक्रम बुलाया गया था रामलीला मैदान में, जहां पर कि सारे पार्षद दिल्ली के इकट्ठा थे और विधानसभा में जो एमसीडी को लेकर के चर्चा चल रही है उसके विरोध में ये पूरा कार्यक्रम बुलाया गया था। और जब वहां पर राकेश कुमार पहुंचे तो जैसा कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी करते हैं विधानसभा में, जिस पर पहले भी आपत्ति रही है, राकेश कुमार पार्टी की टोपी पहन करके उस मीटिंग में बैठना चाहते थे, जिसको लेकर के कि बीजेपी के पार्षदों ने उन्हें टोका। और जब इस पर कहासुनी बढ़ी तो बीजेपी के पार्षदों ने राकेश कुमार की पिटाई वहां पर कर दी और काफी झगड़ा उसमें हुआ है, जिसको लेकर के कि अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस में शिकायत करने के लिए राकेश कुमार भी जा रहे हैं।